मानता है, हमारे मंदिरों पे जो बिस्तर बिठा के फंड लिया जाता है उसको भी मानता है, तो आप लोग क्यों नहीं देश के साथ खड़े होते हो? आप क्यों सबके दायरे में आते हो? सारी सुविधाएं आप लोग ले रहे हो, आज बताइए कोई वक्त देश के साथ सब लोग खड़े हैं, आप अकेले देश के साथ नहीं खड़े हैं, और आपके साथ जो नहीं है वो देश के खिलाफ, ऐसा मत बोलिए। अल्पसंख्यक जैसा किसी को मिलता है? आप लोग आपके साथ, अच्छा ठीक है, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। परिचय मैं पहले करा चुकी हूँ सभी लोगों का परिचय मैं पहले करा चुकी हूँ। सर लड़िए मत, मैं आ रही हूँ, सभी लोगों से रिएक्शन ले लो, फिर आप लोगों के पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ यादव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सेक्युलर शब्द का जो इस्तेमाल किया है उससे आपत्ति है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे, वो बिना किसी से बात किए, बिना किसी को साथ लिए अपने आप ही उनका हितैषी और खुद को उनका रहनुमा बताते हुए ऐलान कर दे रहे हैं। आकर देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करे या सिर्फ मुसलमान मर्द ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कभी तो किसी डिबेट में, कभी किसी कंसेंसस में, कभी किसी डिस्कोर्स में, कभी मुसलमान महिलाओं को भी बैठा करके पूछिए वो क्या चाहते हैं, कभी उनसे भी पूछिए कि उनके क्या मन की बात थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या बात सुनी जाए। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था 2020 में, जब देश की सरकार ट्रिपल तलाक को हटा रही थी, तो कोर्ट में जाकर के जो संस्था ये खड़े होकर कहे कि अगर ये ट्रिपल तलाक हटा दिया गया तो इस देश में मुसलमान मर्द मुसलमान महिलाओं को जला देगा, जला करके मार डालेगा, मैं ऐसी संस्थाओं की बात नहीं सुनना चाहता। दूसरी बात, अभी प्रेम जी कह रहे थे कि अगर कम्युनल बता दिया गया है, अगर कम्युनल सिविल कोड बता दिया गया है, तो देश के संविधान निर्माताओं का ये अपमान हो चुका है। जब संविधान निर्माता आर्टिकल 44 में लिख करके गए कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, और आप 70 साल में उस पर राजनीति कर रहे हैं, उसका विरोध करते आ रहे हैं, उसमें भटका करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तब आपको नहीं लगा कि आप कम्युनल हो गए और उनका अपमान हो रहा है? तब आपको एक बार भी संविधान निर्माता याद नहीं आए? जब आर्टिकल 37 में हमारे संविधान निर्माता लिख गए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लिखी गई है, यह फंडामेंटल नेचर है, तब आपको उनका अपमान याद नहीं आया? संविधान सभा की डिबेट्स को अगर आप उठा करके देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 में आया है, इसको लागू करना, इसको आगे बढ़ाना, इसको इंप्रूव ना करना, यह अन्याय है। जब हिंदू कोड भी लाया जा रहा था तब देश में चर्चा हुई थी, और देश के संविधान निर्माताओं ने यह कहा था, हमारे देश के पूर्वजों ने यह कहा था कि अगर 80% लोगों में आप उत्थान कर सकते हैं, उनकी कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, तो इस समाज ने क्या अन्याय किया है? आपने वर्षों से देश में मुसलमान बहन बेटियों के साथ अन्याय किया, और अपनी रोटियां सेकने के लिए उसको सेक्युलर के नाम पे किया, इस बात की चुभन है, क्योंकि आपको आज सेक्युलर वर्ड से ही जो आप फंस चुके हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं, ये आपकी सच्चाई सामने। यूसीसी में जिन समान अधिकारों की, मैं अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगी, वो ही कह रहे हैं यूसीसी में जिस बदलाव, जिस समान अधिकार की बात आप कह रहे हैं, वो बड़े व्यक्तिगत होते हैं, वो बड़े पर्सनल होते हैं, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ऑलरेडी है, वो भी बड़े पर्सनल है। आप किसी को जाकर के चीटिंग कराएंगे, कुछ और कराएंगे, आप जाकर के किसी का मर्डर कर देंगे, कोई नहीं पूछेगा आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं। इस देश में एक कानून है, वो सब पे लागू होगा, यहां तक कि सिविल कोड में भी अधिकतम चीजें, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी से जाके लीज एग्रीमेंट कराते हैं, कुछ भी जो सिविल नेचर का है, वो भी इस देश में यूनिफॉर्म ही है, कोई धर्म जाति कुछ नहीं पूछता है। चार चीजें बच जाती हैं, वो है मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन और इनहेरिटेंस। ये मात्र चार चीजें हैं जो चारों मुसलमान महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। अब आपको इनके मुसलमान मर्दों को, और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो बैठी हुई है, उनको ट्रिपल तलाक करवाना है, उनको हलाला करवाना है, उनको मरिया करवाना है, तो कैसे बोलेंगे? और ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इनको उनसे वोट लेना है, उनको तुष्टिकरण करना है, तो वो भी कैसे बोलेंगे? सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं कि यूसीसी के जरिए महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है क्योंकि महिलाओं को दबाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया आपत्ति किस बात पर है? अगर वो अधिकार की बात कहते हो, प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि जो कानून ऊंच नीच करे, जो कानून भेदभाव करे, उसको हटा देना चाहिए, उसमें बदलाव जरूरी है, तो इसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल सही, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सरकार ऊंच नीच की बात करे, भेदभाव की बात करे, समानता की बात नहीं करे, एकता की बात नहीं करे, डिवाइड एंड रूल करे, ऐसी सरकार भी हटा देनी चाहिए। भाई आप यूसीसी की बात करते हैं, हम आप डिबेट कर रहे हैं, क्या आपने ड्राफ्ट तैयार किया बताइए? लास्ट 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश के अंदर में, 30 साल अगर ले लिए जाएं लास्ट, तो 20 साल से बीजेपी की सरकार है। आप बताइए आपने क्या बनाया ड्राफ्ट?
आपने ये अनेकता, ये देश अनेकता में एकता का देश है। यहाँ पे क्या आपने सभी ऑल पार्टी मीटिंग कितनी बार की है यूसीसी के ऊपर में बताइए, क्या आपने उनसे विचार विमर्श किया ये बताइए, क्या आपने वो गोवा वाला कानून उसके बारे में आपने क्या सोचा, जहाँ पे अगर 30 साल तक एक हिंदू माँ अगर बेटे को जन्म नहीं देती है तो हिंदू आदमी को राइट होता है दूसरी शादी करने का, इसके बारे में आपने क्या तय किया है बताइए आप, हम आपसे पूछ रहे हैं ना। तो ये आपने क्या क्या ड्राफ्ट बनाया देश को बताइए, देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े तरह तरह के हैं, कहते ना अनेकता में एकता की बात है, सभी को बुलाइए बैठाइए। ये क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो इतनी देर से हल्ला मचा रहे हो, अरे इस देश के अंदर में तो और भी धर्म है, और भी जातियां हैं, और भी तरह तरह की रीति रिवाज है, सबको बुलाइए, पार्लियामेंट की एक मीटिंग कीजिए, आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए, फिर चर्चा कीजिए तो समझ में आता है। खाली बोलो हल्ला मचाने से नहीं चले, हल्ला मचाने से ऐसा लगता है कि आपको करना धरना कुछ नहीं है, आप सिर्फ समाज के अंदर में एक, चूंकि आपको पास अभी चूंकि मुद्दों को भटकाना चाहते हो, अभी 69,000 जो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने कहा है ना कि आपने आरक्षण छीना है, यही तो समाजवादी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, आरक्षण भी खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र पे भी खतरा है। वही तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती इतने दिनों तक धरने पे बैठे रहे, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही, तब आपके नेता कहां थे? आज जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो केशव प्रसाद मौर्य भी कहने लगे नहीं बिल्कुल सही है हम इनके साथ खड़े हैं, तब तो अनुप्रिया पटेल भी कहने लगी, निषाद जी भी कहने लगे। तो आप मैंने हम अधिकारों की लड़ाई लड़े, 69,000 कौन से थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख ईसाई कौन थे, किस जाति धर्म के लोग थे भाई? वो तो अपना आरक्षण का अधिकार मांग रहे थे, आपने नहीं दिया तो कोर्ट से मिला, तब आप कह रहे नहीं नहीं अपनी गलती मान ली। अनुराग भदौरिया, आप जिस संविधान की बात कह रहे हैं ना, ठीक है, आप 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कह रहे हैं, कोर्ट ने टिप्पणी की, हम उस पर आप बात करेंगे, लेकिन अभी ये बताइए जिस संविधान का हवाला आप दे रहे हैं उसी संविधान में बीजेपी के नेता कह रहे हैं, उसी संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि भविष्य में ऐसे कानून में बदलाव किया जा सकता है जो नागरिकों में ऊंच नीच की भावना पैदा करे और समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया जा सकता है। अगर उसे संविधान के आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है तो फिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि आपने उस पर क्या ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें ये भी आगे देखिएगा, उसका मतलब ये भी निकलता है कि बाबा साहब ने कहा था सभी के कंसर्न से सबको बैठाइए, जाति जनगणना आप क्यों नहीं करते? जाति जनगणना कीजिए, पता चल जाएगा कौन कितना है, किसको कितना अधिकार चाहिए, किसको कौन यहाँ पिछड़े रह गया, कौन अभी आगे निकल गया, समाज में कौन वंचित लोग हैं, कौन किसके जाति के हैं, कितने हैं, निकालिए ना, जाति जनगणना कराइए। ये भी तो कहा गया ना, ये भी कहा गया ना कि आप सबको बुला के बैठाइए। और चूंकि हमारा देश की खूबसूरती क्या है, अनेकता में एकता, इसलिए हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं, पूरा विश्व हमें अपना विश्वगुरु मानने को क्यों तैयार होता है, हमारे यहाँ पे वासुदेव हम कुटुंबकम क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम पूरे विश्व में हम सबको सबको अपना मानने वाले लोग हैं, तो पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं, तो विश्व को जब परिवार मानते हैं तो परिवारों की समस्याओं के लिए हम एक साथ बैठते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, तभी तो विश्व में हमारा नाम है, तो क्या हम अपनी पहचान खत्म कर दें? इसके लिए आप आइए बैठिए चर्चा कीजिए। चर्चा तो आपने की नहीं 20 साल में, कितनी मीटिंग की।